हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि जो चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो किस तरीके से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट दिस टॉपिक। वी नोटेड अबाउट दैट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस। हमने देखा है, हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है यानी कि जो लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं उसमें वास्तविक रूप में जो लोग होते हैं उन्हें जो चॉइस है यानी कि विकल्प दिए जाते हैं, उन्हें विकल्प मौजूद होते हैं कि वो इनमें से किसी एक व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो प्रतिनिधि के रूप में चुन सकें। दिस हैपन ओनली वैन देयर इज़ ऑलमोस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन ऑफ कॉन्टेस्ट और इलेक्शन, यानी कि इसके द्वारा हमें ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं कि कुछ जो उस पर रिस्ट्रिक्शन यानी कि जो कुछ सीमाएं लगाकर और कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड। ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये जो रोक होती हैं, ये जो बाधाएँ होती हैं, कुछ सीमाएँ होती हैं, वो हमारा जो सिस्टम है यानी कि जो हमारा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उस पर निर्भर करता है। एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन बी आल्सो कम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। इसमें कहा जाता है कि जो भी वोटर्स यानी कि जो भी मतदाता है वो इलेक्शन यानी कि जो चुनाव है उसमें उम्मीदवार भी बन सकता है। देयर ओनली डिफरेंस इज देयर इज ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट टू मिनिमम एज इज 25 years while is only 18 years of being a voter। केवल इसमें एक अंतर है कि जो उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव में जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है उसकी कम से कम जो एज है यानी कि उसकी आयु जो है वो 25 years यानी कि 25 साल होनी चाहिए, जबकि वोटर्स यानी कि जो मतदाता होता है उसकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इस डिफरेंस के अलावा कोई भी जो वोटर्स होता है वोटर है वो कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन में। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल ATC। इसके अलावा कुछ जो अलग और भी जो बाधाएं हैं जो रोक हैं, जैसे कि जो आपराधिक प्रवृत्ति का अगर कोई व्यक्ति है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। बट देयर अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केस। लेकिन जो ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो बहुत ही जो रेयर यानी कि बहुत ही मुश्किल बहुत ही कम जो केसेस होते हैं जो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेट देयर कैन डिक्टेट वो गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जो राजनीतिक दल होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि उनकी जो पार्टी है उसका सिंबल यानी उसके चुनाव चिन्ह और उनका जो सपोर्ट है उनका जो सहयोग है वह किसे प्राप्त होगा। पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। और जो पार्टी होती है यानी कि जो दल होते हैं उनके द्वारा जो नॉमिनेशन किए जाते हैं उनके द्वारा जिसे मनोनीत किया जाता है उसे पार्टी टिकट यानी कि जो पार्टी का टिकट कहते हैं। जैसे जनरली हम कहते हैं कि इस कैंडिडेट को इस पार्टी का टिकट मिला है, तो वो टिकट का मतलब है कि जो पार्टी है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपना जो सिंबल है और जो अपना सपोर्ट है उस उम्मीदवार को देती है। एवरी पर्सन वो विश टू कंसिडर द इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म। यानी कि जो भी जो कैंडिडेट है जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होना चाहता है उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर गिव सम उसमें उसे कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है जो कुछ सूचनाएं होती हैं उससे रिलेटेड वो देनी पड़ती है। रिसेंटली यानी कि जो अभी के समय में अगर हम देखें, ए न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके आदेशानुसार जो एक नई व्यवस्था जो डिक्लेरेशन है यानी कि जो घोषणाएँ हैं अपने से रिलेटेड जो घोषणाएं हैं जो चुनाव जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है उसमें जो घोषणाएं हैं उसमें एक नया प्रारूप तैयार किया गया है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल
डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल ऑफ, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्रत्येक उम्मीदवार है उसे अपनी जो सारी सूचनाओं की घोषणा करनी पड़ती है, जैसे सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, अगर किसी उम्मीदवार के विरुद्ध अगर कोई आपराधिक जो केस है, आपराधिक विवाद का कोई केस चल रहा है, पेंडिंग है, यानी कि उस पर विचार चल रहा है, तो इन चीज़ों का वर्णन उसे करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ द एक्सिट एंड लिबर्टीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज ओवर फैमिलीज, यानी कि जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उसे अपनी और अपने परिवार की जितनी भी आय है, जितनी भी जो संपत्ति है, उसका विवरण भी देना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार की एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो उसकी शैक्षिक योग्यताएं हैं, उसके बारे में भी उसे बताना पड़ेगा कि वो कितना पढ़ा हुआ है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो जो पब्लिक है, यानी कि जो जनता है, जनता के लिए उससे ली जाती है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस, यानी कि यह जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उन्हें अपना डिसीजन यानी अपना निर्णय लेने में कि हमें किसे कौन से कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, उसमें ये हेल्प करता है। द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनके द्वारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग जो वोटर्स होते हैं वो अपने वोट के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने देखा कि जो भी कैंडिडेट है, इट मीन्स जो भी चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहता है, उसकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, और उम्मीदवार बनने के लिए उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उस नॉमिनेशन फॉर्म में उसे अपने से रिलेटेड जितनी भी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो उसमें फिल करनी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक है वो अपनी जो चॉइस है, अपना जो डिसीजन है, उसे लेती है कि हमें किस उम्मीदवार को चुनाव में जिताना चाहिए। इसी प्रकार जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी जो कैंडिडेट होते हैं, उन्हें अपना जो सिंबल है, अपना चुनाव चिन्ह है, और अपना जो सपोर्ट देती है, जिसे हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो पार्टी का टिकट कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी उम्मीदवार, किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन फाइट करना है तो उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है।